होकर के तिरस्कृत होकर के निकलते हैं, उनको साधु कहा जाता है, या अपने घर से लात खा करके निकलते हैं, जैसे विभीषण जी को उनके बड़े भाई रावण ने मारा, तो ये साधु कहलाए। तिरस्कृत होकर के जो घर गृहस्थी छोड़ते हैं उनको साधु कहा जाता है। दूसरे प्रकार के साधु होते हैं सूठी साधु। सूठी मतलब दिल को छू जाने वाले साधु, या गमतो साधु। गमतो मतलब उनका गमक, उनका सुगंध दूर दूर तक पहुंच जाए, वो गमतो साधु हुए। सूठी साधु और गमतो साधु, जैसे राम जी माँ की बात सुनकर घर छोड़ दिए, ये सूठी साधु हुए। गोपी चंद माँ मैनावती की बात सुनकर के घर छोड़ दिए। तीसरे प्रकार के साधु होते हैं सब विधि साधु। आघात लगे दिल पर तो ऐसे साधु होते हैं जैसे भरत जी महाराज, सब विधि साधु। राजा भर्तरी सब विधि साधु। गौतम बुद्ध सब विधि साधु। तो साधुओं का ये तीन प्रकार है। अब एकाध कथा कह देते हैं। पहला डायरी का फिर से कहने के लिए कहा गया था, तो डायरी की कथा है। नारद जी एक बार भगवान के पास बैठे थे, भगवान के प्रिय हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान, जो भक्त आपको याद करते हैं उनके बारे में कुछ आपके पास है, या ऐसे ही आप सबको समझ लेते हैं कि ये आपके भक्त हैं? तो भगवान बोले, है ना, मेरे पास डायरी है उनकी, सबका नाम उसमें लिखा हुआ है। नारद जी बोले, मैं देख सकता हूँ? भगवान बोले, एकदम। वो देखो, डायरी सामने रखी है। एक बड़ी सी डायरी उठा करके नारद जी लाए। डायरी में सभी भक्तों का नाम लिखा था। उसमें प्रथम नाम नारद जी का ही लिखा था। नारद जी देख करके बड़े खुश हुए कि भगवान मुझे इतना पसंद करते हैं। भगवान का मैं ऐसा भक्त हूं कि मेरा नाम प्रथम रूप में लिखा हुआ है। लेकिन डायरी का अध्ययन करने के पश्चात उनके मन में एक संदेह हुआ कि इसमें हनुमान जी का नाम तो कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान सब तो ठीक है लेकिन इसमें हनुमान जी का नाम नहीं लिखा है, ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले, लिखा है ना। तो वो कहे, कहाँ लिखा है? तो वो देखो, इसके बगल में जो दूसरी छोटी सी डायरी है वो लाओ। वो डायरी नारद जी लाए, तो उसमें देखे केवल उसमें दो ही नाम लिखा था, एक हनुमान जी का और दूसरा भरत जी का। अब नारद जी चौंके, पूछे, भगवान ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि जो तुम पहले डायरी लाए वे वैसे भक्तों की डायरी है जो मुझे याद करते हैं, और दूसरा जो तुम लाए वह ऐसी डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ, यानी मेरे वो ऐसे भक्त हैं जिनको मैं याद करता हूँ। अब छोटा छोटा एक आध कथा सुना दें। जी भैया, एक ब्रजवासी का विवाह हुआ ब्रज के बाहर। माताएं उस बेटी को समझाती हैं, तुम ब्रज में जा रही हो, ब्रज में पातिव्रत धर्म में रहना बहुत कठिन है। वहां सुना है एक नंद का लाला है, जो उसके आंख में आंख मिला देता है वह उसी का हो जाता है। बेटी कभी उसको अपना मुख मत देख देखाना और कभी उसका मुख मत देखना, नहीं तो पातिव्रत धर्म निभाने में कठिनता आएगी। बारात वापस आ रही थी, ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो देखा कि ब्रज का ग्वाला नई गोपी लाया है। तो उन्होंने ग्वाले से कहा, अपनी बहू से कह मुंह दिखाए।
चढ़ गए रथ पर। बहू को याद आया कि माँ ने कहा था किसी प्रकार भी उस नंद के लाला को मुंह नहीं दिखाना है और ना उसका मुंह देखना है, नहीं तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वह मुंह को ढके ही रही, नहीं दिखाई अपना मुख। लालजू से सखाव ने कहा कि कन्हैया तू भी बावरा है यार, इसको मुंह दिखाई भी तो दे कुछ। ठाकुर जी ने अपना हार दे दिया, फिर भी वह अपना मुंह नहीं देखने दी। हृदय में डर था पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रथ से उतरे और कहा, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर तुम मुख नहीं दिखा रही हो, कल आप प्रार्थना करोगी, रोओगी हमारे लिए। ठाकुर जी ने जब इंद्र की पूजा रुकवा दी और सबकी रक्षा के लिए जब गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत धारण किया तो सभी त्राही माम बोलकर प्राण बचाने हेतु गिरिराज के पास आ रहे थे। उस नववधू को भी जब अपने प्राणों को बचाने की पड़ी तो वह शिक्षा जो उसको माता ने दिया था वह विस्मृत हो गई। भागी हुई आई और देखा कि 7 वर्ष के लालजू महाराज गिरिराज पर्वत गोवर्धन को कानी उंगली से उठाए हुए थे। वह सौंदर्य माधुर्य जो बड़े बड़े मुनियों के हृदय को तार तार कर देता था, ज्यों ही वह लालजू के रूप माधुर्य को देखी, कहा, माँ तूने इतने दिनों तक मेरा बड़ा अमंगल किया। तूने साधारण धर्म की शिक्षा देकर परम धर्म से विमुख कर दिया माँ। वह मूर्छित हो गई। 7 दिन तक नेत्र नहीं खुले। नेत्र खुले तो अपने घर में थी, फिर प्राणों को त्याग कर दिया, फिर वही गोपी बनी मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।